हम आज बात कर रहे हैं स्ट्रीट फूड के खाने की, और इन्हीं में से एक है मिर्ची वड़ा। जब आप मिर्ची वड़ा का नाम सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो है राजस्थान। ये मिर्ची वड़ा इतना फेमस है कि जब भी आप राजस्थान की किसी भी गली या नुक्कड़ पे चले जाइए तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो आइए आज सीखते हैं हम एक शेफ से बनाना, कैसे बनाते हैं मिर्ची वड़ा घर पे आसान इंग्रेडिएंट से। हम आज राजस्थानी मिर्ची वड़ा सीखने वाले हैं। हाँ जी, तो शुरू करें क्या बनाना? मैंने ऑयल डाला, ऑयल हल्का हीट हो गया, उसके बाद मैंने क्यूमिन डाला। जब क्यूमिन हल्का सा क्रैक हो जाएंगे उसके बाद मैं सबसे पहले स्लाइस ऑनियन डाल रहा हूँ। तो अनियन को आप ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है अनियन को, ताकि आप फीलिंग कर रहे हो, इसको कुकिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद थोड़ा सा ग्रीन चिली ऐड करूँगा मैं यहाँ पे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा आप हींग डाल सकते हैं। आपका मसाला कुक हो चुका है, तो अब मैं पोटैटो को डाल दूँगा इसके ऊपर। फिनिशिंग में थोड़ा सा कोरिएंडर चॉप, फिलिंग जो है रेडी हो चुका है। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे वो है बैटर। बेसन है, इसमें सॉल्ट, चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग इसमें भी। अब इसमें पानी डालिए, आपको पानी धीरे धीरे डालना होगा। तो आपका ये बैटर भी रेडी हो चुका है। ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें अपने मिर्ची वड़ा के बैटर के लिए। तो अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। तो अब हमारी मिर्ची भी रेडी हो गई है, स्टफिंग भी रेडी हो गई है, अब हमारे पास बैटर भी रेडी हो गया है। तो अब हम लोग इसमें डीप फ्राई करेंगे हम लोग। अब ये पक चुका है, अब हम इसको निकाल देंगे। अगर आप इसको किसी को स्नैक के तौर पे सर्व करेंगे तो आई थिंक बहुत ही अच्छा एक स्नैक है, बहुत ही अच्छा एक स्ट्रीट फूड है। तो आज इसको अपने मेन्यू में इंक्लूड कीजिए और खुश कीजिए अपने मेहमानों को।